नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गर्दे जी इन्फॉर्मेशन में। टाटा का ये छोटा हाथी जब से पेट्रोल में लॉन्च हुआ है, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि टाटा एस गोल्ड पेट्रोल लें या फिर डीजल, क्योंकि इसकी रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो आज इस वीडियो में हम आपके पूरे कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, इन दोनों में क्या क्या फर्क है और कौन सा आपको खरीदना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप करें तो आप 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। टाटा एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल की बाहरी संरचना में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लगभग सेम ही है। और सबसे बड़ी चीज, इनकी दोनों की कार्गो बॉडी और व्हील बेस भी सेम है। टाटा एस डीजल की भी 7 फीट 2 इंच लंबी और 4 फीट 9 इंच चौड़ी है, वही पेट्रोल की भी आपको सेम देखने को मिलेगी। सेम व्हील बेस यानी अगले टायर से पिछले टायर की दूरी भी 2100 mm की सेम दी गई है। वहीं अगर हम ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो डीजल में आपको 1675 kg का मिलेगा, 750 की इसमें आपको पेलोड क्षमता मिलेगी। वहीं पेट्रोल में आपको 1615 kg का ग्रॉस व्हीकल वेट और 750 kg की पेलोड क्षमता देखने को मिलेगी। नए टाटा एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल में सबसे बड़ा अगर हम फर्क देखने को मिलेगा तो वो है इंजन का। डीजल में आपको 2 सिलेंडर 702 cc का टर्बोचार्ज DI डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो 22 HP पावर के साथ 55 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, वो भी पावर मोड में। इसमें आपको पावर मोड और सिटी मोड दिया गया है। और वहीं अगर आप सिटी मोड में चलाते हैं तो 17 HP पावर के साथ 40 Nm का टॉर्क मिलेगा, इसमें आपको माइलेज थोड़ा अच्छा मिलेगा। फ्लाईओवर पे चढ़ाई लांघने की क्षमता की बात करें तो 14.5 पावर मोड में और 12.5 डिग्री सिटी मोड में देखने को मिलेगी। वहीं पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2 सिलेंडर 694 cc का MPFI पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 30 HP पावर और 55 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 14% की ग्रेडिबिलिटी देखने को मिल जाती है, फ्लाईओवर पे चढ़ाई लांघने की क्षमता। नए टाटा एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है इसकी प्राइस का। इससे ही ग्राहक का मन बदल जाता है। टाटा एस गोल्ड डीजल की प्राइस है 1 शोरूम 6,33,000 रुपए, वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसकी 1 शोरूम प्राइस है 4,73,000 रुपए। यहाँ पे अगर हम 1 शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,60,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है डीजल और पेट्रोल के मुकाबले, यानी कि पेट्रोल गाड़ी जो है 1,60,000 रुपए सस्ती है। इसके अलावा रोड टैक्स में भी जो है डीजल में थोड़ा ज्यादा लगता है, तो डीजल की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है 7,18,000 रुपए, वहीं पेट्रोल की अगर हम बात करें तो वो भी 5,43,000 रुपए में ऑन रोड हो जाती है। दोनों में 20-20,000 रुपए का डिस्काउंट जो है अभी दिवाली पे चल रहा है वो माइनस किया हुआ है। तो अगर हम ऑन रोड कीमत की बात करें तो 7,18,000 में से अगर हम 5,43,000 रुपए निकालते हैं तो 1,75,000 रुपए का डिफरेंस आता है टाटा एस गोल्ड पेट्रोल और डीजल में, यानी कि डीजल की बजाय पेट्रोल गाड़ी 1,75,000 रुपए सस्ती पड़ती है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे यानी कि इसके माइलेज पर। यहाँ आकर एक बार फिर से ग्राहक का मन बदलने लगता है। टाटा एस गोल्ड डीजल और पेट्रोल दोनों में आपको फ्यूल सेविंग के ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। डीजल में सिटी मोड, पावर मोड मिलता है, गियर शिफ्ट एडवाइजर मिल जाता है। वहीं पेट्रोल में आपको इको मोड मिलता है, यानी कि इको स्विच मिलता है, जिससे भी आप अच्छा फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। अब अगर हम माइलेज की बात करें तो टाटा एस गोल्ड डीजल BS6 फेज 2 में 18 से लेकर 21 का माइलेज इजीली मिल जाता है, क्योंकि 2 सिलेंडर 702 cc का ही इंजन है, तो आराम से इसमें लगभग 18+ का ही माइलेज इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम टाटा एस पेट्रोल के माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका 15 से 20 का क्लेम कर रही है, लेकिन हमने ज्यादातर वीडियो में और कमेंट में हमने पढ़ा है 10, 12, 14, कई के तो ये बोल रहे हैं कि 8-9 का ही माइलेज आ रहा है, लेकिन इतना कम तो नहीं आएगा, क्योंकि कई ड्राइवर के चलाने पर निर्भर करता है। और एक दिक्कत ये भी है कि इसमें 7.5 क्विंटल का ही पेलोड पास है, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि 1 से 1.5 टन तक का लोड इसमें डालते ही है, तो फिर माइलेज कहाँ से आएगा। बाकी रस्तों के हिसाब से भी माइलेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 15 से 16 का इसमें माइलेज आ जाता है, हालांकि डीजल जितना माइलेज कतई ही नहीं आएगा इसमें। तो अगर आप माइलेज पे जाते हैं तो डीजल गाड़ी बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम सस्पेंशन देखें तो सस्पेंशन भी दोनों में सेम मिलता है। आगे आपको पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन और पीछे सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन, दोनों में 12 इंच के सेम टायर साइज मिलते हैं। आगे आपको डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, 160 mm का, दोनों में सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात आती है कि मेंटेनेंस कौन सी में ज्यादा आता है। अगर हम डीजल गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवाते हैं यानी कि इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है लगभग 1300 रुपए। वहीं पेट्रोल गाड़ी की अगर हम फर्स्ट सर्विस करवाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 1100 रुपए, यानी कि 200 रुपए यहाँ पर भी पेट्रोल गाड़ी में आपको कम खर्चा करना पड़ेगा। 40-42 हजार किलोमीटर चलने के बाद डीजल गाड़ी में आपको डीजल फिल्टर वगैरह चेंज करवाने होते हैं। इसके अलावा डीजल गाड़ी में 12.5 लीटर का यूरिया टैंक आता है, तो यहाँ पर भी आपका डीजल गाड़ी में ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से मेंटेनेंस के मामले में भी डीजल गाड़ी में थोड़ा मेंटेनेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और पेट्रोल गाड़ी में आपको मेंटेनेंस कम देखने को मिलेगा। गाड़ी प्रदूषण कम करेगी, आवाज गाड़ी कम करेगी, पावर आपको जो है पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर हम माइलेज पे जाएं तो डीजल बढ़िया है, लेकिन प्राइसिंग पे जाएं तो पेट्रोल बढ़िया है, पेलोड भी दोनों में बराबर डलेगा। तो मेरे ख्याल से पेट्रोल गाड़ी बेस्ट है। बाकी सबकी अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग सोच होती है,
कई लोग ये सोचते हैं कि भाई डीजल गाड़ी का माइलेज ज्यादा आता है। अगर हम सीधा सिंपल गणित लगाएं कि अगर आप सोचते हैं कि माइलेज की वजह से हमारा पैसा बचता है, वही अगर आप शुरू में ही 2.25 लाख रुपए आपके बच जाते हैं, यानी कि आप फाइनेंस भी करवाते हैं तो आपका ब्याज बच जाता है 2.25 लाख रुपए का, तो वो वहां पे कवर हो जाता है। इसके अलावा पेट्रोल गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इंजन साइलेंट होता है, ड्राइवर जो है ज्यादा देर तक गाड़ी को चला सकता है, इससे आपकी कमाई बढ़ेगी, मेंटेनेंस खर्चा कम आएगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि डीजल गाड़ी की रीसेल वैल्यू अच्छी आएगी। हाँ, अभी के हिसाब से अगर हम बात करें तो डीजल गाड़ी आपको ज्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में मेरे ख्याल से पेट्रोल गाड़ी की अच्छी रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं, सामान दोनों में आप बराबर भर सकते हैं, परफॉर्मेंस पेट्रोल की बेटर रहेगी, माइलेज के मामले में डीजल थोड़ी आगे चली जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।